राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 सीनियर नेता पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि जयपुर की पूर्व मेयर और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गई है। साथ ही तारानगर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे चंद्रमाला बैद के बेटे चंद्रशेखर बैद, पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी आज बीजेपी से जुड़ गए हैं। तो कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए आने वाले दिनों में चुनाव, इसी से पहले बीजेपी में ज्योति खंडेलवाल शामिल हो चुकी हैं। पूर्व आईपीएस केसर सिंह शेखावत भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और सुमेंद्र सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये तब होता है जब लोगों में विश्वास पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति होता है, और कहीं अविश्वास की भावना होती है तो वो वहां स्थान छोड़कर उपयुक्त स्थान पर उचित नेतृत्व के साथ जाते हैं। जिन लोगों ने कल देखा था, कुछ गारंटियां और दी थी, राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ। ईडी के विरुद्ध में जिस प्रकार पहली बार हलचल देख रहे हैं, उस समय हलचल नहीं जब कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर तार मिले, जब डीपी जारोली जी ने कहा कि मेरा कसूर नहीं, ये कसूर ऊपर बैठे लोगों का है, जब बाबूलाल कटारा ने कहा कि मुझे नामजद किया गया था, मैंने 1,75,00,000 रुपये रिश्वत दी, ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं। ईडी जिस प्रकार नौजवानों के अरमानों को लूटा गया, जब उसका पर्दाफाश कर रहे हैं तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इस संकल्प के साथ, हमारे साथी जो मंच पर बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सब का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की केवल विजय ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक विजय इस बार होने वाली है, और महिला अत्याचार, पेपर लीक, किसानों को कर्ज में डालने वाली यह गहलोत सरकार, जाते जाते गहलोत जी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि किन शब्दों का उपयोग करें। कुछ दिन पहले उन्होंने जुडिशरी के बारे में अपशब्द का उपयोग किया, फिर माफी मांगा, अब जाकर के सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं। तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी में हताशा व्याप्त है, हार के हताशा के कारण इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी जाए उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊं, और मैं इसी विश्वास के साथ कि अभी भी मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊं। कांग्रेस छोड़ने का आपको महापौर ने बनाया सब? देखिए, कांग्रेस में लगातार ये देखने में आ रहा था कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए निष्ठा से, ईमानदारी से काम करते हैं, समर्पण भाव से काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा होती है, कहीं कहीं तो अपमान भी सहन करना पड़ता है। और ऐसे में जो केवल व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए नेता, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और फिर लगातार ये देखने में आता है कि इतना कमजोर नेतृत्व जो सामने सब कुछ गलत होते हुए देखता है लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में काम करना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल हो गया था। और इसीलिए मैंने ये चुना कि मैं एक ऐसी नेतृत्व वाली पार्टी जो कि अपने इतनी मजबूत नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिनसे कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई होती है, और देश को कैसे हम विश्व में एक सबसे सशक्त देश के रूप में प्रस्तुत कर सके, उस सोच और उस विजन के साथ काम किया जाता है, इसी भावना के साथ। तो आरएलपी ने आज 10 नाम की एक छोटी सी सूची जारी की है। हालांकि सूची में चौंकाने वाले नाम भी हैं, परबसर व कोलायत में जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए हैं उसमें परबसर व कोलायत मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन अभी कई ऐसी सीट है जहां आरएलपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, जिन पर सभी की नजर है। अभी नागौर सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। नागौर सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा पर दाव खेला है। अब चर्चा है कि बेनीवाल अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल को नागौर का चुनाव लड़ा सकते हैं या फिर कोई चौंकाने वाला चेहरा भी आ सकता है। खुद हनुमान बेनीवाल खिंसर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से ओसिया के प्रत्याशी का भी अभी नाम सामने नहीं आया है।
जबकि दिव्या मदेरणा से हनुमान बेनीवाल की अदावत जग जाहिर है। वहीं हरीश चौधरी के सामने पिछले प्रत्याशी उदमेराम बेनीवाल को फिर से हनुमान बेनीवाल ने रिपीट कर दिया है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी से नागौर का प्रत्याशी किसे उतारेंगे, इस पर भी सभी की नजर है। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जारी की पहली सूची और पार्टी के अध्यक्ष व लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये सूची जारी की है। देर रात जारी पहली सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम और रालोपा की पहली सूची में मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग का टिकट बरकरार है। सांसद हनुमान बेनीवाल स्वयं लड़ेंगे खिनसर से चुनाव। आपको बता दें कि कांग्रेस से आरएलपी में शामिल हुए रेवत राम पवार को कुलायत और लच्छाराम बड़ाडा को परबसर से पार्टी ने टिकट दिया है। डॉक्टर अजय त्रिवेदी को बनाया है जोधपुर शहर से उम्मीदवार। खिनसर से देखिए, हनुमान बेनीवाल मैदान में हैं और आरएलपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पार्टी ने कर दी है। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने बीकानेर वेस्ट से मनीष शर्मा, रत्नागढ़ से डॉक्टर संजू बाला और सीकर से जबर सिंह छिचारा और शाहपुरा से रामेश्वर प्रसाद सैनी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि सिविल लाइन से अर्चित गुप्ता और बस्सी से रामेश्वर प्रसाद जंद, रामगढ़ के विश्वेश्वर सिंह को भी टिकट दिया गया है। इसी तरह करौली से हिना फिरोज, सवाई माधोपुर से मुकेश भूरप्रेमी, जोधपुर से रोहित जोशी और खानपुर से दीपेश सोनी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और देखिए, अब आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। तो सी विजिल ऐप पर शिकायतों का अंबार लगा है। आपको बता दें कि सी विजिल ऐप पर लगातार शिकायतें आ रही हैं। 120 घंटे में 3,427 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। सबूत के साथ शिकायत का जो आंकड़ा है वो 2500 के पार पहुंच चुका है। तो सी विजिल ऐप जिस पर देखे अब शिकायतों का अंबार देखने को मिल रहा है, लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं और सबूत के साथ शिकायत का जो आंकड़ा है वो 2500 के पार पहुंच चुका है। तो लगातार सी विजिल ऐप पर अब शिकायतें हैं वो की जा रही हैं लोगों के द्वारा। 120 घंटे में 3,427 से भी ज्यादा शिकायतें मिली हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पूर्व विधायक रामचंद्र सरादना ने कांग्रेस छोड़ी है। विराटनगर से आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि एसपा ने सरादना को विराटनगर से उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, रामचंद्र सरादना ने कांग्रेस छोड़ दिया है, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और देखिये, यहां से अब ये कहा जा रहा है कि एसपा ने सरादना को विराटनगर से उम्मीदवार बना दिया है। तो रामचंद्र सरादना ने देखिये कांग्रेस छोड़ दी है।